100 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर बड़ा प्लेयर बनना हो तो रिस्क भी बड़ी लेनी पड़ती है। सो प्लेयर्स, लेट्स गो फॉर गोल्ड। बावजूद भी हर्षद मेहता कैसे स्टॉक मार्केट से इनडायरेक्ट कनेक्टेड थे, कैसे हर्षद मेहता की इन लॉस की कंपनी ने बहुत कम समय में लगभग 200 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया, इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस वीडियो में, जहां मैं पलक गुप्ता आपसे बात करूंगी 1980 से लेकर 1990 के दशक के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट यानी कि हर्षद मेहता के ऊपर बनी बॉलीवुड मूवी बिग बुल के बारे में। चाहे चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, गलती कर ही देता है और कोई ना कोई एविडेंस तो छोड़ ही देता है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ था हर्षद मेहता के साथ। सक्सेस रेशियो और पैसों की बढ़ती काम से झरने के अंदर से हर्षद मेहता इतने ज्यादा अंधे हो चुके थे कि वो सबूतों को मिटाना ही भूल गए, या फिर वो बैंक्स के सिस्टम के अंदर ढूंढे गए लूपहोल्स पर काफी ज्यादा भरोसा कर बैठे। क्योंकि एक अननोन बैंक सोर्स से न्यूज रिपोर्टर सुचेता दलाल, जो कि हर्षद मेहता के ऊपर काफी सालों से नजर जमाए बैठी थी, उन्हें तक पहुंचाई गई ऐसी एक खबर जिसने हर्षद मेहता की पूरी जिंदगी को पलट डाला। हर्षद मेहता के पैसों के फ्रॉड के बारे में एक पता चला कि एक सुचेता के एक आर्टिकल ने हर्षद मेहता को रातों रात जमीन पे गिरा दिया। लेकिन इससे भी हर्षद मेहता का गुरूर और उनके स्टॉक मार्केट को लेकर गहराइयों को रोका ना जा सका। उन्होंने अपनी पत्नी के बहनोई की कंपनी को इनडायरेक्टली गाइड करना शुरू कर दिया, यानी कि सबकी नजरों में हर्षद मेहता अपने घर पर बंद पड़े हुए स्टॉक मार्केट से बैन व्यक्ति थे। लेकिन इनडायरेक्टली हर्षद मेहता हमेशा ही स्टॉक मार्केट से जुड़े रहे। मार्केट में किसी भी तरह का स्टॉक आता है और स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली हर एक गतिविधि के ऊपर हर्षद मेहता की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से पूरी खबरें रहती हैं। और उसी के डाटा के हिसाब से हर्षद कंपनी को गाइड करते थे कि कब शेयर्स को होल्ड करना है, कब शेयर्स को सेल करना है, जिसके चलते धीरे धीरे वो कंपनी में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाया, और वो भी दुगना या तिगना नहीं बल्कि 200% प्रॉफिट ज्यादा था। और ऐसे करते करते वो कंपनी बहुत ऊपर जाती गई। लेकिन ना जाने किसकी नजर लग गई कि इन कंपनीज के इतने ज्यादा प्रॉफिट एक्सचेंज के बारे में सुचेता दलाल ने रिसर्च करना शुरू कर दिया था कि आखिर एक नई कंपनी जो कि ज्यादा बड़ी भी नहीं थी कैसे इतना प्रॉफिट कमा सकती है। और इसी रिसर्च और हर्षद मेहता के ऊपर सुचेता दलाल के कंसिस्टेंट अटैक्स के बड़े पर्दे पर दिखाने वाली है कूकी गुलाटी द्वारा डायरेक्टेड मूवी बिग बुल, जिसमें हर्षद मेहता का किरदार निभाने वाले हैं अभिषेक बच्चन। आपका इस मूवी के बारे में क्या राय है, आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए खत्म करें ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा, सुनाने का कुछ अनसुना, और इसी के साथ खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आज की वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी है अभिषेक मिक्की ने। अलविदा।